Hello friends, welcome to all. This is Tapan Kumar Behra, your English mentor. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ one of the most demanding topic, close test. जैसे इसके पहले वाला part में मैंने आपको सारे rules close test का बता दिया है. मैंने बताया था, वादा भी किया था कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, जैसे बिना किसी प्रकार का वोकाब वार्ड पावर ना होते हुए भी आप कैसे क्लोज टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप पैराग्राफ को समझ नहीं पाते हैं, रीडिंग कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना. मैंने क्या कहा था, टेंशन लेने का नहीं देने का, है ना. हर चीज संभव है अगर हम सही तरीका में कोई काम कर रहे हैं. ओके, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल सेम तरीका में मैंने क्या है यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. इसलिए मैं एक एडवांस क्लोज टेस्ट लेकर आया हूं और आपको जैसे पहला पार्ट क्लोज टेस्ट का पहला पार्ट में बताया था जो स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी में मैं यहां पर क्लोज टेस्ट सॉल्व कराऊंगा और आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा. देखते हैं, लेट्स सी. द मेजर सेंट्रल बैंक्स डैश परस्यूट ऑफ पॉजिटिव बट लो इन्फ्लेशन हैज बिकम ए डेंजरियस डैश. इतना मैं पढ़ूंगा. हर कोई कहता है इफ यू वांट टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट सो यू हैव टू रीड वंस और ट्वाइस थरोली दैट पैराग्राफ्स, है ना. एक या दो बार आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. माइंड योर फ्रेंड्स, क्या हमें उतना समय मिलेगा एग्जाम में? बिल्कुल नहीं मिलेगा. नहीं, वो प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, कोई थियोरेटिकली बात. बाबा लोग जैसे बोलते हैं ना, थियोरेटिकल बात, जो चीज वो कभी करते नहीं वो ज्यादा उस चीज को बोलते. कहते हैं ना, सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, ये सभी बाबाओं का पहला डायलॉग है. लेकिन कोई बाबा अपनी जीवन में कभी सुबह उठ के अपने माता पिता का चरण स्पर्श नहीं करता है, है ना. वैसे ही तो ट्राई टू बिलीव इन प्रैक्टिकली, नॉट इन थियोरेटिकली, है ना. बस ऐसा ही तो आपको, हमें इतना समय नहीं मिलेगा एग्जाम में. मैंने क्या कहा था कैसे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितना क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है क्या, टाइम सेव करना, टाइम का बचाव करना, है ना. लेट्स सी हम टाइम कैसे सेव करते हैं. हमारी दो मोटो होना चाहिए, क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए, और मिनिमम टाइम में. इट मींस मिनिमम टाइम मैक्सिमम मार्क, है ना. आज मैं आपको मैक्सिमम मार्क देखे रहूंगा. लेट्स सी व्हाट आई सेड. मैंने क्या कहा था कि हर ब्लैंक को जाइएगा, जबकि ये सोचना है whether a blank requires a positive meaning word or a negative. एक ब्लैंक में नेगेटिव मीनिंग वर्ड चाहिए और पॉजिटिव. सेंटेंस पढ़िए. द मेजर सेंट्रल बैंक्स डैश नेग्लिजेंट परस्यूट ऑफ पॉजिटिव बट, यस क्लू मिल गया. एक पॉइंट मैंने बोला था कि जब क्लोज टेस्ट हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले समय आपको कुछ चीज को ध्यान देना पड़ेगा. और यह कहा था स्पेशली यू हैव टू टेक द क्लू ऑफ प्रीपोजिशन कंजेक्शन व्हिच आर यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक. जो ब्लैंक से पहले या बाद जो कंजेक्शन प्रीपोजिशन लगाया गया है उसका क्लू आपको लेना है, है ना. तो यहां पर कंजेक्शन क्या लगा है, बट यू नो इट इज ए कंजेक्शन ऑफ अ कंट्रा. ये हमेशा अपोजिट वर्ड को जोड़ता है, है ना. मींस एक वर्ड पॉजिटिव होने पर दूसरा वर्ड क्या होगा, नेगेटिव, है ना. तो बॉट की बात क्या लगा है, लो इन्फ्लेशन, तो नेगेटिव बोल रहा है या पॉजिटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव बोल रहा है. इसका मतलब वो ब्लैंक में, जो ब्लैंक किससे है, कहां पर है, ना बॉट से पहले, तो इसका मतलब उस ब्लैंक में वर्ड लगेगा क्या, पॉजिटिव. श्योर है, कंफर्म. तो एक तो श्योर हो गए कि इस ब्लैंक में एक पॉजिटिव मीनिंग वर्ड है.
अच्छा, बस एक कुछ सेकंड लेना चाहूंगा, इस क्लोज्ड में थोड़ा डिफरेंट क्या है? ये बिल्कुल नया और एडवांस क्लोज्ड टेस्ट है। जो पुराना क्लोज्ड टेस्ट होता था, एक ब्लैंक दिया जाता था और उस ब्लैंक को फिलअप करने के लिए 5 वर्ड ऑप्शन रहता था। फ्रॉम द गिवन 5 वर्ड ऑप्शन यू हैव टू चूज वन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक। लेकिन यहां कुछ नया है। क्या नया है? नहीं, एक वर्ड ऑलरेडी यहां पे दे दिया गया ब्लैंक के पास। आपको ये सोचना है, ये तय करना है कि ये जो वर्ड यहां पे सही है कि नहीं। अगर वो गलत है तो और दिया गया जो 4 वर्ड है उसमें चूज करना कौन सा सही होगा। अगर ये सही हो जाता है तो ऑप्शन क्या है, नो चेंज, 5th ऑप्शन चूज करेंगे। ऐसा ही हमारे नया पैटर्न क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि हम यहां पे क्या पॉजिटिव मीनिंग वर्ड चाहिए। तो देखिए वर्ड नेग्लिजेंट, ये नेगेटिव ना पॉजिटिव, नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट, ये क्या है, एक नेगेटिव मीनिंग वर्ड। इसका मतलब ये वर्ड यहां पर आंसर नहीं होगा। श्योर है? तो इसको लेकर सोचने की आवश्यकता नहीं है, एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? कंफर्म? ओके, अच्छा अब देखते हैं ऑप्शन को, चलते हैं ऑप्शन जाके हम ये देखते हैं ऑप्शन क्या है। कम टू द ऑप्शंस। अच्छा आ गया हमारे ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, ब्रीच, एंटागोनेशन, विजिलेंट, इंपल्सिव। तो नो चेंज तो होगा ही नहीं है क्योंकि वो नेग्लिजेंट वर्ड नहीं हुआ। क्लियर? हमें क्या चाहिए, पहला पॉजिटिव मीनिंग वर्ड एंटा। ये प्रीफिक्स एंटा, आई एम डी आई एस, ये सभी जो प्रीफिक्स नॉन एन एन ओ एन आई एल आई आर, ये सब प्रीफिक्स लगने पर एक वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एंटा लगने पर भी नेगेटिव, तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? बचा 3 वर्ड्स, ब्रीच, इंपल्सिव, विजिलेंट। आपकी मन में ये सवाल आ सकता है, सर आपने कहा था कि वर्ड का मीनिंग अगर नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करें। मैं भूला नहीं, जो कुछ कहा है मेरे दिमाग में है, मुझे बिल्कुल याद है जो कुछ मैंने कहा था। बाय द वे मैं भी कह रहा हूं मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, कैसे करें? तो कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ये वाला, और कुछ वर्ड का हमें मीनिंग नहीं पता, फिर क्या करेंगे? तो सेकंड स्टेप मैंने क्या कहा था, क्या कहा था कि डिटरमाइन व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच द मिसिंग वर्ड इज, उस ब्लैंक में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए। थोड़ा याद कीजिए, उस ब्लैंक में लिखा था परस्यूट, परस्यूट क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। श्योर है? इसका मतलब वर्ब और नाउन नहीं लगा सकते। तो ब्रीच सी एच लगने पर नाउन होता है या क्या है, वर्ब होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। एडजेक्टिव क्या है, इंपल्सिव और विजिलेंट। सर आपको कैसे पता चला कि एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी भी वर्ड को लास्ट को सफिक्स लगता है, हर चीज पता होता है, लास्ट को ए एन टी आई वी ये सब लगता है सफिक्स, ये एडजेक्टिव होता है, एक्टिव इनएक्टिव, है ना। अब बोलेंगे सर अब तो 2 ऑप्शन बच गए, इसमें से कैसे चूज करेंगे, इन दोनों का मतलब मुझे नहीं पता। इंपल्सिव आई एम प्रीफिक्स लगने पर मैंने क्या कहा था, नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये वर्ड नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव। हो गया आंसर कौन सा, विजिलेंट, है ना। क्लियर? ओके, इस रूल का नाम है फादर। मतलब 5 लोग हैं, एग्जांपल देना चाहूंगा, 5 लोग से आप 4 लोग आपके गांव के हैं और 1 लोग जो है कि आपके पिताजी, लेकिन आपके जो पिताजी या फादर को आप कभी बचपन से देखा ही नहीं। आपकी मम्मी ने बोले कि इस ऑटो में जो 5 लोग आ रहे उसमें आपके पिताजी भी है, तो कैसे पहचानेंगे। वेरी सिंपल चीज है, बस 4 लोग आपके गांव के हैं ना, उस 4 लोग को हटा दीजिए, जो बचे वो आपके क्या है, पिताजी या फादर है, तो उनको आधार कार्ड लेके पूछने की आवश्यकता नहीं है। बस ऐसा ही मैंने किया, है ना। तो 4 वर्ड को ऑप्शन एलिमिनेट, जो बचा हुआ आंसर क्या हो गया, आंसर मीनिंग हम आए या ना आए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, तभी मीनिंग बता दे रहा, विजिलेंट मतलब What? Watchful, alert. Sure, it is a positive meaning word of that. तो आंसर क्या हो गया? Clear. अब चलते हैं पैराग्राफ को, देखते हैं अब क्या लिखा है। सेकेंड पढ़ते हैं, लिखा है पढ़िए, बट द लो इन्फ्लेशन हैज बिकम ए डेंजरियस डैश। मैंने कुछ कहा था कि अब तो श्योर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिए, इस ब्लैंक में नेगेटिव मीनिंग वर्ड चाहिए या पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव,
ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि डेंजरियस लगे। और ये भी कहा था टू नो वेदर ब्लैंक रिक्वायर्स पॉजिटिव मीनिंग वर्ड और नेगेटिव, टेक द क्लू ऑफ अदर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर एडॉप्ट अ ब्लैंक। ऑलरेडी इस पार्ट में नेगेटिव कहा गया, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। श्योर sure. तो ये डेल्यूजन्स, ये तो डीई एली डेल्यूजन लगा है, ये नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी है। सबसे पहले सोचते क्या ए वर्ड यहां पे होगा, है ना। मैंने क्या कहा था, हर ब्लैंक में यहां पे क्या करेक्ट वर्ड है जानने के लिए हमेशा यू रीड द अबव सेंटेंस। पढ़िए अबव क्या लिखा है, इट इज द डेंजरियस बिकॉज द पॉलिसी इज नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ओके, कुड हैव अनवांटेड साइड इफेक्ट एंड इट इज डेल्यूजन बिकॉज। देखिए यहां पर सेम चीज रिपीट किया ना, क्यों अगर आगे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको लिंक मिलेगा। श्योर सेम चीज आगे कहा गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डेल्यूजन्स। ओके तो फिर अब अगर डेल्यूजन होता है, देखिए ऑप्शन क्या है, डेल्यूजन्स और एक चीज भी वहां पर नाउन चाहिए, तो विड्रॉल तो एडजेक्टिव है, डिस्क्रेट तो नाउन नहीं है, हम्बल भी नाउन नहीं है, सियोर फायर इसका पैराग्राफ से कोई लिंक नहीं है, तो भी ऐसे भी नहीं हो सकता है, ऐसे भी नेगेटिव वर्ड चाहिए तो हो गया। तो उस हिसाब से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट होगा, और जो चीज है क्या है ना, हमें वहां नाउन चाहिए, ये सभी वर्ड नाउन नहीं है, तो फिर आंसर क्या हो गया, नो चेंज। अगर श्योर फायर भी नाउन होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इस वर्ड का इस पैराग्राफ से कोई लिंक नहीं है, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, नो चेंज, क्लियर। ओके तो फर्स्ट का हुआ था विजिलेंट, सेकेंड क्या हो गया, नो चेंज, क्लियर कंफर्म। अच्छा अब चलते हैं फिर पैराग्राफ को देखते हैं, पैराग्राफ में क्या कहा गया है, थर्ड ऑप्शन देखिए, इट इज डेंजरियस बिकॉज, ठीक है मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैंने कहा तो नहीं पढ़ूंगा, नहीं समझाऊंगा, पढ़िए पैराग्राफ यहां से, सेंट्रल बैंक्स राइटली डैश इट, है ना। इस ब्लैंक में बोलिए सबसे पहले देखना ए वर्ड यहां करेक्ट हो रहा है कि नहीं, सेंट्रल बैंक्स राइटली डैश, मुझे बोलिए इस ब्लैंक में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, व्हाट आई सेड, द बेस्ट टेक्निक द बेस्ट मेडिसिन फॉर द क्लोट दैट इज द एलिमिनेशन प्रोसेस, कुछ करना नहीं, बस दो तीन चीज में काम करते रहिए, पूरा काम हो जाएगा, क्लियर। तो इस ब्लैंक में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए भाई, आड़भर, आड़भर की बात क्या आएगा, भौर आएगा, श्योर। फिर ये डिसाइड करना है कि भौर प्रेजेंट होगा या पास्ट, ये जानने के लिए पैराग्राफ का अदर भौर देखना पड़ेगा, या कमा लगा है, कमा कब लगता है, जब सिमिलर चीज होता है, LHS इक्वल टू RHS, और ए एग्जाम्पल में हमेशा कहता रहता हूं, रामदेव बाबा एट डोमिनोज पिज्जा, ड्रंक हिमालय सोडा एंड वाज डांसिंग ऑन बाला, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अदर वर्ब सिंपल पास्ट, इस वर्ब इस पार्ट में एंड के बाद वर्ब भी सिंपल पास्ट होना, जब वाज डांसिंग नहीं बोल सकते तो क्या हो जाएगा, ओनली डांस्ड, वैसा ही चीज। तो यहां पे क्या गया, हुआ द इन्फ्लेशन इन द एडवांस्ड बट इकोनॉमी रोज, एक वर्ब किस काम पे पास्ट, तो कमा एक क्लॉज में वर्ब पास्ट हो, आगे वाला क्लॉज में वर्ब पास्ट ही होगा, इसका मतलब आइडियर होगा ही नहीं, क्लियर। अब इस आइडियर का मीनिंग हमें पता हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। देखते हैं ऑप्शन को, चलिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, ओके लेट्स सी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए और V2 अटेंटिव, ये तो एडजेक्टिव है, वर्ब कौन है, V2 यस, रजिस्टर्ड ये तो वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, TIO लेकर नाउन होता है, आंसर क्या है, D, काम खत्म, क्लियर, याद आ रहा है जो कुछ मैंने कहा था, क्या वैसे ही आंसर सॉल्व कर रहा हूं या नहीं। अब कभी भी कहीं भी आप मुझे पूछ सकते किसी भी क्लोज टेस्ट को, हमेशा ऐसा ही समझेगा, ये आज नहीं पिछले 17 साल से मैं ऐसा करता आ रहा हूं, ओके लेट्स सी। अब चलते हैं आराम से, आंसर फिर क्या हो गया, D, ओके अब पैराग्राफ को चलते हैं, अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं, द लेशन सेंटर, पैराग्राफ में समझाऊंगा नहीं, बोला था द लेशन सेंट्रल बैंकर्स टू फ्रॉम दैट बैटल वॉज दैट लो इन प्लस नेसेसरी कंडीशन फॉर द सस्टेन ग्रोथ बट सॉफ्टली ओवर टाइम दिस लेसन हैज डैश, मैंने क्या कहा था, इच ब्लैंक आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, अब बोलिए इस ब्लैंक में
कौन सा पार्ट उस पर चाहिए। हाज लगाए तो हाज लगाए में हाज की बात क्या आएगा, मेन वर्ब। हाज आपकी बात मेन वर्ब कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। तो मॉर्ब दिया ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, मतलब इसके आंसर होने के चांसेस है। बोलेगे सर मुझे इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, क्लियर? ठीक है भाई, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये होने के चांसेस है, लेकिन हमें अदर ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्लियर। अब एक चीज बढ़िया मजेदार बात कह रहे हो, जब इसी को हर कोई इंडिया में किसी भी यूट्यूब चैनल में कोई भी समझाते कैसे, बस जैसे नाट्य रूपांतर करते, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा कहा, ऐसा होगा, ये कह रहा था, उसकी वजह से ये वर्ड होगा। अरे भाई उतना अगर हमें समझ में आ गया होता, क्या हम खुद कर नहीं लेते? वो चीज हमारे दिमाग में नहीं आ रहे, तो नहीं आ रहा तो मैं कैसे करूं, वो चीज बताओ। वो तो आप क्वेश्चन ले लिए, बता दिए, क्लियर। लेट्स सी, अब चलते हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या है, श्योर हो गए कि मॉर्ब्ड हो सकता है। आगे चलते हैं, हमारे ऑप्शन क्या है फोर के लिए, क्लियर। भीतरी चाहिए, क्रेडेंस तो भीतरी नहीं है, ट्रांसफॉर्म भी वन नहीं होगा, डगमेटिज्म नाउन नहीं होगा, कन्वर्ट भी वन नहीं होगा, इसका मतलब आंसर के नो चेंज रिक्वायर्ड, खत्म। अब इन सभी वर्ड का मीनिंग आपको पता है या पता हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आसान इजीली हम बैंक तक पहुंच जाएंगे। एक बार मैनेजर बन जाए ना, उसके बाद हमें नॉलेज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सिंपल सी बात है, ये मेरा बिलीफ। एक बार जो मैनेजर हो गए हो जाने के बाद, क्या मैनेजर को क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सॉल्व कर पाएगा? नहीं। बस हमारी जो मेन मोटो क्या है, एक जॉब पाना, नौकरी पाना, सर्विस पाना, बस वो काम पहले पूरा हो जाए, ये मेरा सोच है, खत्म, क्लियर। क्लियर तो आंसर क्या हो गया, ई। अब देखते हैं नेक्स्ट फाइव को चलते हैं। अब फाइव बस सेम प्रोसेस में आपको फॉलो करना है, लिखा है पढ़िए, बस मैं पैराग्राफ समझाऊंगा नहीं। कॉमनली डस इस ब्लैंक में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, थोड़ा ध्यान दे रहे ना, मैं बस दो तीन चीज से ही आंसर कर रहा हूं, इतना सारी चीज, बहुत सारा चीज पार्ट वन में कहा था, क्लोज टेस्ट शॉर्ट वीडियो पार्ट वन में, लेकिन मैं उतना चीज नहीं फॉलो करा, कुछ लिमिटेड चीज में चल रहा। कॉमनली डस यहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, कॉमनली आडवर, आडवर बात क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, नो डाउट वर्ब यहां पे है, हो सकता है, क्लियर। तो फिर डिसाइड करना है वर्ब प्रेजेंट होगा ना पास्ट होगा। अब देखिए उसके पहले वाला सर ने कमा लगाया, कमा लगाया मतलब उसके पहले वाला वर्ब होगा पास्ट है, तो यहां पे क्या वर्ब कमा लगने पर सिमिलर होता है, वर्ब यहां पे क्या है, दैट अकॉम्पेंड प्रेजेंट ना पास्ट, पास्ट इडी लगने पर पास्ट होता है, पास्ट मतलब यहां पर वर्ब क्या होगा पास्ट, इसका मतलब सप्रेस प्रेजेंट फॉर्म में ये होगा ही नहीं, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमारे पर ऑप्शन है, उसमें से चूज करेंगे कौन सा करेक्ट होगा, ओके लेट्स सी। ऑप्शन हमारे पास क्या है, चाहिए क्या, बी टू चाहिए, स्टॉन्चनेस एनईएस लगने पर तो नाउन होता है, होगा नहीं है, रेफर बी टू, इनटेम्परेंस ये तो नाउन है, एनसी ईएनसी ए लगने पर सफिक्स हमेशा नाउन ही होता है, एब्सेंट तो ये भी नाउन है, तो फिर ये नहीं होगा, तो इसका मतलब बचा कौन, रेफर। आप सेंटेंस का मीनिंग समझे या ना समझे, क्लियर। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर हो सके कि बता रहे तो अपने हिसाब से ऑप्शन डाल दिए हैं, मैं ये चीज नहीं करता, ये मेरा बिलीफ है, मैं इसमें बिलीव करता हूं कि स्टेडियम उनका बैट्समैन नहीं, क्वेश्चन उन दूसरों का क्या है सॉल्व करूंगा मैं, क्लियर। तो वैसा ही आपको जानना चाहते इस क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हैं गूगल में, तो आपको पता चले एक्चुअली ये ऑप्शन मैंने डाला हुआ है, क्या मैं दूसरे साइड से क्वेश्चन लाके सॉल्व किया, आप देख सकते हैं, ओके। तो आंसर क्या हो गया, कौन सा हो जाएगा, रेफर, क्योंकि बी टू ऑप्शन क्या है, रेफर, और कोई बी टू नहीं है, क्लियर कंफर्म, ओके। अब चलते पैराग्राफ को, ओके लेट्स सी कम्स टू द ऑप्शन, यहां तो रिफरेंट नहीं होगा, डिमांड ओरिएंटेड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बात क्या चाहिए, नाउन, तो रिफरेंट नहीं होगा, कंफर्म। अब क्या करेंगे ना, अब डिमांड ओरिएंटेड फिर एक सोचना है कि आप पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव, डिमांड ओरिएंटेड हमेशा इसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड चाहिए, इसका मतलब रिफरेंट ऐसे भी नहीं होगा, क्लियर है। अब चलते हैं ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, सिक्स, क्लियर, ओके लेट्स सी।
अपश्योर तो नाउन तो चाहिए, ये सभी ऑप्शन जितने भी नाउन है। तो मैं पॉजिटिव वर्ड चाहे ना नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो स्टीडीनेस क्या है? नेगेटिव है। वाइल्डनेस क्या है? नेगेटिव। एक्विजेस नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? नैरेटिव। क्लियर? काम खत्म। क्लियर? नरेशन, डायलॉग, स्टोरी, खत्म। क्लियर? अब तो आंसर क्या हो गया? क्लियर है? अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट को, देखते हैं पैराग्राफ क्या है। सेवन में पढ़िए, सेवन में, यस, यहां पे द बेबी बूमर्स फुएल्ड एक्सपेंशन ऑफ द लेबर फोर्स एंड द डैश। श्योर है? अब द लगा है, द आर्टिकल मैंने क्या था, ईच ब्लैंक का आपको डिसाइड करना होगा कि इस ब्लैंक में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए। तो आर्टिकल है तो निश्चित रूप में यहां पे क्या चाहिए? नाउन चाहिए। ठीक है, तो नाउन नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव, ये डिसाइड करना है। तो ये मैंने क्या कर, ये जानने के लिए नेगेटिव ना पॉजिटिव क्या करना है, उस सेंटेंस से पहले या बात को देखना है। पहले क्या है लिखा है? बेबी बूमर फ्यूल्ड एक्सपेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब इस ब्लैंक वर्ड चाहिए क्या? पॉजिटिव। तो फिर होस्टालिटी तो नेगेटिव, मित्रता, दुश्मनी तो नेगेटिव वर्ड होगा ही नहीं है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ओके, लेट्स सी ऑप्शन क्या है। और नेगेटिव वर्ड चाहिए, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अब ऑप्शन क्या देखिए, और क्या आर्टिकल लगा, नाउन चाहिए, तो डी बेस, ये तो वर्ब होगा ही नहीं है, इनबिट वर्ब नहीं होगा, तो नो चेंज तो नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि वो वर्ड नहीं है। तो आइदर एलिनेशन या इंट्रीगेशन, तो इनमें से कौन सा वर्ड आपको पता है? एलिनेशन, एलियन बाहर से जो आता है, सेपरेशन, ये क्या है? नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये होगा नहीं। आंसर क्या है? इंट्रीगेशन। और भी एक क्लू है, कैसे क्लू है ना, डैश फ्रॉम इमर्जिंग कंट्री, तो क्या होगा उस वर्ड से, किसका लिंक है उस पैराग्राफ, उस सेंस से, उस लाइन से, कौन सा वर्ड का लिंक है? इंट्रीगेशन का, और इसी वर्ड का नहीं है, उस वजह से भी आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? ओके, कंफर्म। डैश द सीट्स, मैंने क्या कहा था, इच ब्लैंक के ऑफ डिटरमाइन हो द दिस ब्लैंक रिक्वायर्स ए पॉजिटिव मीनिंग वर्ड और ए नेगेटिव। इस ब्लैंक में पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव? अब बोलिए, इस ब्लैंक में पॉजिटिव चाहिए ना नेगेटिव? श्योर है? डैश द शोर। और चलिए, और क्या करना है कि ये जानना होगा इस ब्लैंक पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, कमा लगा है, फिट्स टुगेदर द फाइनेंशियल डीरेगुलेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डैश, मतलब वर्ब चाहिए। क्लियर है? क्योंकि उसके बाद नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन है, तो वर्ब चाहिए। श्योर है? तो वर्ब प्रेजेंट होगा ना पास्ट होगा, वो जानने के लिए क्या करेंगे, उस सेंटेंस से पहले वाला बाद वाला सेंटेंस पढ़ेंगे। यहां वर्ब क्या है? लेट लगा है, मतलब पास्ट, स्टोरी पास्ट में भी जा रहा है, तो इसका मतलब वर्ब यहां पे क्या होगा? पास्ट होगा। तो शोर ऑलरेडी पास्ट है, और लिंक भी देख लेते हैं। डैश शोर द सीड्स, सीड्स बीज को क्या किया जाता है? शोर किया जाता है, लगाया जाता है। इसका मतलब लॉजिकली भी करेक्ट है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, इसका मतलब ये आंसर होने के चांसेस 90% है। लेकिन हमको दिया गया ऑप्शन भी देखना होगा, इतना जल्दीबाजी में आंसर चूज मत करना, ठीक है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। यस, आ गया, चाहिए क्या है? बी टू। अब ये इनएविटेबिलिटी, ये तो वर्ब नहीं है, नकल वर्ब नहीं है, बीडिंग वर्ब नहीं है, बिलिटल वर्ब नहीं, हमें चाहिए था क्या? वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए था। यहां पे कोई एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। तो इसकी वार, इस वर्ड का मीनिंग मुझे पता, हमें पता हो या ना हो, श्योर, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा? नो चेंज। क्लियर फॉर्म? ओके, लेट्स सी द फंडामेंटल एनालिटिकल एरर्स देन आज स्टिल टुडे वॉच ए फेलो टू डैश बिटवीन। कुछ याद आया मैंने क्या कहा था कि ब्लैंक के बाद स्पेशल यू टेक द क्लू ऑफ प्रीपोजिशन कंजंक्शन व्हिच आर यूज्ड बिफोर और आफ्टर द ब्लैंक। ब्लैंक से पहले या बाद में अगर कोई प्रीपोजिशन कंजंक्शन लगाया गया है, सबसे पहले उसका क्लू लीजिए। तो ब्लैंक के बाद क्या है? बिटवीन है, ठीक है? तो बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। आपको सबसे पहले देखना है कौन सा वर्ड के बाद बिटवीन है। डिग्रेड, डिक्रीज होना, कभी बिटवीन होगा ही नहीं। श्योर है? टू के बाद भी वन आएगा ग्रामेटिकली, और ऐसा वर्ड चूज कर इसके बाद बिटवीन आता है। क्लियर है? ओके, आप सोचो किसके बाद बिटवीन होगा, कौन सा वर्ड के बाद बिटवीन आता है? एक्सिड बिटवीन होता है, एक्सिड टू होता है, फॉरबियरेंस विथ होता है, ये तो करेक्ट नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, टू प्लस बी वन ग्रामेटिकली करेक्ट है, और डिस्टिंग्विश के बाद ही बिटवीन आएगा।
क्लियर कंफर्म ओके इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा डी क्लियर कंफर्म क्या मैं पैराग्राफ का एक भी लाइन आपको समझाया एक ही वर्ड का मीनिंग बता रहे हो नहीं है ना इससे क्या फायदा होगा ना एक स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है उतना नॉलेज ना हो भी क्लियर अब द एंड ऑफ द ग्रेट कहीं एक चीज कहा गया था थोड़ा इसकी बैक को आते हैं पांच नंबर वाला बैक इसमें बैक को आते हैं देखते हैं यस आ गया क्या है यहां पर पढ़िए डस ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है ग्रेट है पढ़िए द कॉमनली डैश टू आर द ग्रेट मॉडरेशन बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है अब वही चीज वहां पर लास्ट में कहा जा रहा है इसलिए क्योंकि जो पैराग्राफ को जो कहते हैं ना वो सभी वर्ड को मिसिंग नहीं किया जाता है सभी डिफिकल्ट वर्ड को मिसिंग नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ड टेस्टिंग नहीं हो रहा है जिस चीज को लेकर थीम ग्रो कर रहा है उस वो सब रिलेटेड चीज को ही मिसिंग कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं तीन चार मार्क ऐसे ही मिल जाएगा जो आंसर ऑप्शन होगा वर्ड कहीं ना कहीं पैराग्राफ में रहता है क्योंकि सिर्फ इंपोर्टेंट वर्ड को मिसिंग किया जाता है ना कि डिफिकल्ट और इजी और आपकी जानकारी के लिए बता दो माय डियर फ्रेंड्स है ना अगर आज की डेट में कभी जब से क्लोट टेस्ट आ रहा है इतना कोई क्रिटिकल वर्ड नहीं आता नॉर्मल डे टू लाइफ में यूज करता हुआ वर्ड आता है ना इतना घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है अगर डर लग रहा है बस याद कीजिएगा मुझे और मेरा रूल्स को है ना आपका डर भाग जाएगा क्योंकि डर के आगे जीत है क्लियर है देखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन को चलते हैं आगे 10 में तो क्या होगा द ग्रेट व्हाट मॉडरेशन तो इसकी इंटेलिजेंस नहीं होगा ऑप्शन क्या हो जाए देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा ग्रेट मॉडरेशन आंसर हो गया क्या इज दैट क्लियर मजा आया है ना आगे ऐसा ही कुछ नए नए शॉर्ट ट्रिक के साथ आऊंगा हर चैप्टर का एक डिफरेंट रूल्स लेके आऊंगा डिफरेंट क्या ट्रिक के साथ आपके सामने और आपको बेहतर से बेहतर फील कराऊंगा ये मेरा वादा है ओके थैंक यू